नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज। फरीदपुर में दिन के उजाले व रात के अंधेरे में धड़ल्ले से होता है बालू रेत का कारोबार। खनन माफियों पर प्रशासन कार्रवाई करने में क्यों है लाचार। फरीदपुर बरेली, फरीदपुर का प्रशासन खनन माफियों पर है मेहरबान। दिन के उजाले और रात के अंधेरे में खनन माफिया बन जाते हैं पहलवान। धड़ल्ले से होता है रेत और बालू का कारोबार, लेकिन फरीदपुर का प्रशासन खनन माफियों पर कार्रवाई करने से खड़ा है सैकड़ों किलोमीटर दूर। खनन और भूमाफिया ठहरे भाई भाई, तो फिर प्रशासन से डरने की नौबत क्यों आई। खबर जिला बरेली तहसील फरीदपुर से है, जहां बैगुल नदी के अलावा उपजाऊ भूमि को खनन माफियों ने बना डाला है समंदर। लेकिन फरीदपुर प्रशासन खनन माफियों के आगे बन गया है गांधी जी के तीन बंदर। दिन से लेकर रात तक गरजती है जेसीबी, फिर भी प्रशासन कहता है कि खनन जानकारी नहीं है मुझे। अभी सूर्योदय होते ही कस्बे के बीसलपुर रोड हाईवे बिजली घर के सामने लग जाते हैं रेते के वाहन। खनन की शिकायत मिलने के बावजूद भी प्रशासन को कैसे आता है चैन। लोगों का मानना है खनन से प्रशासन को होती है मोटी कमाई, तभी तो प्रशासन खनन माफियों पर कार्रवाई करने में देता है ढिलाई। नदी से लेकर खेतों तक खनन माफियों का है साम्राज्य। मजे की बात तो यह है कि माफियों की फरीदपुर प्रशासन भी करती है जय जय। अभी जल्द में ही बीसलपुर रोड पर सैकड़ों एकड़ तालाब का पटान कर रातों रात बना डाला प्लाटिंग ग्राउंड। मोटी रकम समेट कर प्रशासन भी हो गया है अंडरग्राउंड। वहीं भू माफियों की अब नजर है लाइन पार के तालाब पर, जबरन कब्जे कर बना लिए हैं घर, लेकिन प्रशासन भी है बेखबर। देखना यह है कि प्रशासन भू माफियों पर कार्रवाई करता है किस कदर। संवाददाता रियाज अली के साथ मैं विमेश शर्मा, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज। हर खबर आप तक।